हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 2 के हिंदी के पाठ 10 मीठी सारंगी को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। यह बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। यहां पर भोला देखिए बच्चों कितना नादान है, क्योंकि उसको संगीत की समझ नहीं है, इसलिए वो सारंगी के मीठेपन को सारंगी का मीठापन समझने लगा, मतलब आवाज़ का मीठापन ना समझ के सारंगी का स्वाद चखने लगा। उसको लगा शायद सारंगी में से कोई मीठा पदार्थ निकले या सारंगी चखने में मीठी हो। आगे देखते हैं। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस झूठ बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी, तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ। उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। यहां पर ये कहानी समाप्त होती है। अब आते हैं इसके कुछ प्रश्नोत्तर, तो आइए देखते हैं। सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है। सही बात पर सही का निशान लगाओ। सारंगी चखने में मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। जी हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर है, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ, कड़वी बात का क्या मतलब होगा। बच्चों, कड़वी बात का मतलब होता है वह बात जो सुनने में बुरी लगे, अप्रिय बात,
जो सुनने में अच्छी ना लगे। आगे देखते हैं कहानी से। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? भोला ने सारंगी को मुंह से चाटा तथा उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उडेला भी, किंतु वहां से कोई भी मिठास नहीं मिली। तभी उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे उसका स्वाद नहीं मिल पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीठी चीज को खाने के बाद मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सारंगी को सुनने से भी मुंह मीठा हो जाना चाहिए। भोला ने किस किस तरह से ये जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। भोला ने सबसे पहले सारंगी का खोल उतारकर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला। इसके बाद भी उसे उसका स्वाद नहीं मिल पाया। खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा, ताकि उस पर धूल, मिट्टी, पानी इत्यादि ना पड़े। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? तकिया, सोफा, हारमोनियम, गिटार, तानपुरा, चश्मा और भी बहुत सी चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर बजाए जाते हैं। इनके नाम सही जगह पर लिखो। अब देखिए बच्चों, नीचे एक तालिका दी हुई है उन्होंने, जिसमें एक तरफ तार वाले, बीच में थाप वाले और सीधे हाथ पर अन्य लिखने हैं। और नीचे लिखे हैं कि जो भी नाम बच जाए उन्हें अन्य में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तार वाले। सारंगी, इकतारा, सितार, गिटार, ये सभी तार से बजने वाले हैं। थाप वाले, ढोलक, डफली, तबला, ढोल, ये सभी थाप देकर बजाए जाने वाले संगीत के बाजे हैं। और अन्य में आ जाएगा बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। अगला देखते हैं ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। पहला है गाड़ी, रेलगाड़ी या बस में। रेलगाड़ी या बस में ज़्यादातर इकतारा, डफली, बांसुरी, हारमोनियम, ये सब बजाया जाता है। घर या किसी अवसर पर शहनाई, ढोलक और हारमोनियम बजाया जाता है। भजन कीर्तन में हारमोनियम, तबला और ढोलक बजाई जाती है। स्कूल या किसी अवसर पर सितार, गिटार, ढोलक और हारमोनियम बजाया जाता है। इसके अलावा भी हम चीज़ें बजा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमने बताई हैं केवल वही इन इन जगहों पर बजाई जाती हैं। इनके अलावा भी हम चीज़ें यहाँ पर बजा सकते हैं। आगे देखते हैं चटकारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? मुझे तो खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपको इनके अलावा जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप इस प्रश्न में वे लिख सकते हैं। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन, कसैला, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, नमक, चीनी, दूध, आंवला और करेला और अदरक। अब नीचे उन्होंने तालिका में तीन हिस्से दिए हैं, तो पहले में हम मीठी चीज़ें लिख देते हैं, जैसे आम, शहद, चीनी,
दूध, जलेबी। बीच वाले में हम नमक और खट्टी चीज़ें लिख देते हैं, जैसे मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक, चटनी। और सीधे हाथ की तालिका में हम लिख देते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनका स्वाद कसैला होता है, जैसे करेला, अदरक और आंवला। आंवला को हम खट्टी चीज़ें और नमकीन चीज़ों में भी लिख सकते हैं, और आंवले को हम कसैली चीज़ों में भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। जहां पर बिंदी आई है उन शब्दों में न को पूरी तरह बोला जा रहा है, जैसे बंसी, हंस। और जहां पे चंद्र बिंदी आई है वहां पे आ की आवाज आ रही है, जैसे बांसुरी, हंस। ठीक है, आगे देखेंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदी या बिंदी लगाओ। अब यहाँ पर बहुत से शब्द दे रखे हैं, तो मैं पहले उन शब्दों को बोलूँगी जिनमें चंद्र बिंदी लगी है, जैसे चांद, झांसी, मांगना, कांपना, सांप और आंधी। और अब उन शब्दों के नाम बता रही हूँ जिनमें बिंदी लगी है, जैसे चंदन, झंझट, मंगलवार, कंकड़, सुंदर और अंधा। यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय।